सो यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस हमारे पास होती हैं, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक, न्यूटन इज फॉर फोर्स एंड मीटर स्क्वेयर इज फॉर एरिया। और जो डायमेंशंस होंगी इसकी वो क्या होंगी, एम एल माइनस वन, टी माइनस टू, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ स्ट्रेस की। अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस क्लियर किया है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस। सी, व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग जस्ट नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ द बॉडी, देन द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आपकी जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वो नॉर्मली एक्ट कर रही है, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एक्ट कर रही है ओवर एन एरिया ऑफ द बॉडी, तो उस केस के अंदर इट रिस्टोरिंग फोर्स जो सेटअप होगी पर यूनिट एरिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। सो नॉर्मल स्ट्रेस को भी इन्होंने क्या किया, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। देखिए, जो फोर्स होगी डीफॉर्मिंग फोर्स वो मेरी कहाँ लग रही है, नॉर्मली लग रही है अक्रॉस एन एरिया। ठीक, तो जो डिस्टोरिंग फोर्स भी होगा वो भी इसके अपोजिट ही काम करेगा, आएगा, तो उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, नॉर्मल स्ट्रेस बोल दिया। अब नॉर्मल स्ट्रेस को भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या है, आपकी टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि इफ देर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, द स्ट्रेस सेटअप इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेस इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस है तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, परपेंडिकुलरली लगेगा, है ना, ओवर एन एरिया। तो हमने वो क्या लगा दिया, जो फोर्स है वो क्या लगा दिया, परपेंडिकुलरली लगा दिया। अब क्या हो, अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाने के कारण बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है नेचुरल लेंथ से, है ना, तो उस केस के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, तो कंडीशन क्या है कि आपका जो डायमेंशंस है वो इंक्रीज होनी चाहिए ऑन अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो स्ट्रेस है वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। यहाँ जैसे कि हमने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया है और सिलेंडर के दोनों तरफ मैंने क्या लगाया, ऊपर और नीचे अपने नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका ये डायमेंशन थी सिलेंडर की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो पहले ओरिजिनल लेंथ एल थी वो बढ़ करके कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल, दैट इज डेल्टा एल की इंक्रीमेंट उसके अंदर आ गई। इस केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है वो क्या हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेस। सो नेक्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, इट इज नथिंग जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या था कि जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे थे नॉर्मल टू द सरफेस तो आपकी जो लेंथ थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इन दैट केस जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उसे हमने कह दिया कि वो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है। और कंप्रेसिव में क्या है कि जैसे ही आप नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मली जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे ओवर एन एरिया, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी डायमेंशन है या लेंथ कह लीजिए वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय एन अमाउंट डेल्टा एल, और जो आपके पास कितनी लेंथ रह जाएगी, एल माइनस डेल्टा एल। इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। दैट इज इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर और कंप्रेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, द स्ट्रेस सेटअप इन दैट केस इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। बाकी जो सिलेंडर का केस है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहता है कि अगर इफ व्हेन अ सॉलिड बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन द वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिक शेप ऑन अप्लाइंग अ फोर्स परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। मान लीजिए, कहते जब आपने डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की किसी भी बॉडी पे तो क्या होगी, उस बॉडी की सिर्फ शेप चेंज ना हो, सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज हो, उस केस के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉप है या कुछ भी सर्कुलर आपकी बॉडी है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, उसमें आपने क्या किया कि जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की डीफॉर्मिंग फोर्स, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम तो कम हो गया, है ना, ऑब्वियस इसका वॉल्यूम तो कम हुआ लेकिन जो इसकी शेप थी वो सर्कुलर की सर्कुलर रही। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दैट इज डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस।
पहले हम लोग अभी तक हमने बात की थी नॉर्मल स्ट्रेस की, ठीक है, जिसमें आपकी जो डीफॉर्मिंग फोर्स थी वो हमेशा क्या लग रही थी, परपेंडिकुलर या कह लीजिए नॉर्मली टू द सरफेस लग रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेंजेंशियल स्ट्रेस की या शेयरिंग स्ट्रेस की, उसमें जो आपकी डीफॉर्मिंग फोर्स है इट इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड इट प्रोड्यूस द चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट एनी चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो इन दैट केस द स्ट्रेस सेटअप इन द बॉडी इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि इट इज अगेन अ स्ट्रेस। तो जो आपका फॉर्मूला होगा वही होगा, दैट इज डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। लेकिन अब क्वालिटी क्या होगी इसमें कि जो आपका डीफॉर्मिंग फोर्स होगा अब वो नॉर्मली नहीं लग रहा जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर लग रहा था। अब क्या है, आपका जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वो अलोंग द सर्फेस लग रहा है, टेंजेंशियल टू द सर्फेस लग रहा है, और इस तरह से लग रहा है कि जो आपकी शेप है उसमें चेंज आ रहा है, बॉडी की शेप को चेंज कर रहा है वो, लेकिन जो उसका वॉल्यूम था उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस केस के अंदर जो बॉडी के अंदर इंटरनली स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस।